बुलेट ट्रेन के शिलान्यास के दौरान वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। शिंजो आबे ने चीन को झटका देते हुए कहा कि जापान के पीएम ने भारत की धरती से चीन को दिया संदेश। भारत की यात्रा पर आए जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने गुजरात में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने के बाद बहुत खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इससे भारत और जापान के संबंध और मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री शिंजो आबे पीएम नरेंद्र मोदी की मेहमानबाजी से बहुत गदगद हो गए। उन्होंने दोनों देशों के भविष्य को लेकर शुभकामनाएं भी थी। इसी के साथ शिंजो आबे ने इशारों इशारों में ही चीन पर भी निशाना साधा। शिंजो आबे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के शिलान्यास के बाद अपने भाषण में कहा कि शक्तिशाली जापान हमेशा भारत के पक्ष में है। ऐसा कहकर शिंजो आबे ने चीन को संदेश दिया है। शिंजो आबे ने भारत और चीन के डोकलाम विवाद को लेकर चीन पर निशाना साधा है। शिंजो आबे ने अपने भाषण में कहा कि ताकत के बल से सीमा बदलाव का हम विरोध करते हैं। शिंजो आबे ने अपने भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी ग्लोबल और दूरदर्शी नेता हैं। उन्होंने कहा कि शक्तिशाली भारत जापान के साथ है और शक्तिशाली जापान भारत के साथ है। भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद करीब 2 महीने तक चला था। जापान ने इस विवाद पर भारत के समर्थन में अपना पक्ष भी रखा था। इस विवाद में आखिरकार बाद में चीन को अपनी सेना को डोकलाम की सीमा से हटाना पड़ा था। बुलेट ट्रेन को लेकर आबे ने कहा कि यह विश्व की सबसे सुरक्षित रेल यात्रा है। इस यात्रा से जापान में आज तक कोई जानलेवा हादसा नहीं हुआ है। हम भारत में भी बुलेट ट्रेन यात्रा को सुरक्षित करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।